An Academy. Let's crack it. मई 98 में केनिया और तंजानिया में जो अमेरिकी एम्बेसी थी उस पर हमला करता है अलकायदा। इसके बाद दोस्तों यूएसए क्या करता है, ऑपरेशन इन फाइट रीच चलाता है सूडान में और अफगानिस्तान के अंदर, एयर स्ट्राइक करता है सूडान के अंदर भी। सूडान भी एक बड़ा केंद्र है अलकायदा का, और सूडान मतलब अफगानिस्तान में अलकायदा के आने से पहले सूडान भी थे ओसामा बिन लादेन, और वही ऑपरेशन आज भी सूडान में उसका ऑपरेशन चलता है, मतलब उसके कैंप है अलकायदा के। तो सूडान के ऊपर स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होता है इस ऑपरेशन इन फाइट रीच के द्वारा, तो यहाँ पर तालिबान नाराज होता है कि भाई ये मेरी सोवरेंटी को चैलेंज करता है अमेरिका, और यहीं से दोनों के बीच में क्या संबंध खराब होने शुरू होते हैं अमेरिका और तालिबान के बीच में। यूएनएससी रेजोल्यूशन लाता है अमेरिका तालिबान के अगेंस्ट कि भाई तालिबान जो है वो आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है, और भी एक दो यूएनएससी का यूनियन जो सिक्योरिटी काउंसिल है 12/1266 ये भी पास किया जाता है। मसूद दोस्तों क्या था, उस समय ईयू में मसूद को बुलाया जाता है भाषण देने के लिए, जब ये अटैक हुए थे एम्बेसी पे केनिया में तंजानिया में, इस तरह के ये ऑपरेशन शुरू हुए, तो उस समय ईयू में मसूद को बुलाया जाता है कि यूरोपीय यूनियन को संबोधित करने के लिए। तो मसूद वोन करते हैं वहां पर जाकर कि अलकायदा जो है एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, एक बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। इस बात को बोला कि अमेरिका जो है किया, लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात चलेगा, 9/11 से पहले ही अगस्त में ही मसूद को अलकायदा के द्वारा मार दिया जाता है, जब मसूद पर अटैक कर मसूद को मार देता है अलकायदा, और फिर दोस्तों आपको क्या होता है 9/11 का इंसिडेंट होता है, 9/11 का इंसिडेंट होता है। यानी कि बात यह है कि 9/11 से पहले ही अलकायदा और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट थे, तालिबान भी अगेंस्ट हो चुका था। जब 9/11 का इंसिडेंट होता है, ये वो घटना थी दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका की धरती के ऊपर अटैक था। अमेरिका का हमेशा ही रहा है कि अगर मेरे लैंड पर कोई अटैक होगा तो मैं खत्म कर दूंगा। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, तो अमेरिका के लैंड पर यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर अटैक था, और यह उस समय अटैक था जब अमेरिका अपने आप को अजय मानता था कि मेरे चक्कर कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हुए चक्कर में, उस वाली कहानी थी उस समय अमेरिका की, कोई टक्कर में नहीं था और तुमने घर में घुस के मार दिया उसको, तो अमेरिका बौखलाया। और उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जॉर्ज बुश ने कहा कि हम इस टेररिज्म के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल वॉर क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। हमारे यहाँ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, अटल जी ने कहा कि हमें तो आज बड़ा अच्छा लगा कि आज इस बात से अच्छा नहीं लगा कि अमेरिका पर अटैक हो गया, इस बात से कि आज अमेरिका लड़ाई के लिए तैयार हुआ, जो बात हम कई सालों से कह रहे थे कि टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, आज अमेरिका ने उसको स्वीकार किया। पाकिस्तान को भी खड़ा होना पड़ा अमेरिका के साथ। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होंगी, अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान पर भी अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि अमेरिका को अटैक करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी थी, वो भी हम चर्चा करेंगे। यानी चाहे वो बलूचिस्तान का आपका ग्वादर पोर्ट हो, यानी बलूचिस्तान के रास्ते से ही अमेरिका ने जाके क्या किया था, तालिबान के ऊपर अटैक किए थे, तो तालिबान ने बदले में पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए। परवेज मुशर्रफ की एक किताब आई थी, ए लाइन ऑफ फायर को जैसे नाम था किताब का, परवेज मुशर्रफ बात को बोला कि वहाँ पर कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने यह कह दिया था या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, तो हम खिलाफ जा नहीं सकते थे कि हमारे मैदान दम नहीं, उनके अगेंस्ट जाएँ अमेरिकन के अगेंस्ट जाएँ, तो हमको लड़ना पड़ा, हमको साथ देना पड़ा। अब वही पाकिस्तान जो तालिबान को खड़ा करता है, वही पाकिस्तान भी तालिबान को मारने के लिए पीछे भागता है, और उसी का परिणाम था कि तालिबान आज तक भी पाकिस्तान के अंदर अपना अलग ही, जो 2012 में 200 बच्चों पर अटैक करता है, स्कूल के बच्चों पर अटैक करता है तालिबान पाकिस्तान को घूरने टिकाने के लिए। दोस्तों ये ऑपरेशन शुरू होते हैं, देखिए यहाँ से 2001 की घटना के बाद 7 अक्टूबर को दोस्तों अमेरिका और यूके लॉन्च करते हैं ऑपरेशन इंडूरिंग फ्रीडम 7 अक्टूबर 2001 को, और दिसंबर 2001 तक क्या होता है, तालिबान अलकायदा एकदम हार जाता है, बिखर जाता है, फैल जाता है, मिलता ही नहीं कहीं पर। दिसंबर 2001 में क्या होता है दोस्तों, बोन कॉन्फ्रेंस होती है दिसंबर 2001 में, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट की बात होती है कि हम लोकल मिलिशिया में से क्या करेंगे, मिलिशिया बनाएंगे और उसके क्या करेंगे, एक अंतिम सरकार बनाएंगे, जिसमें 2002 में लोया जिरगा की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हामिद करजई को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया,
हामिद करजई क्योंकि दुरानी पास्तून थे। दुरानी दोस्तों आप समझिए, दुरानी पास्तून कौन हुआ? दुरानी पास्तून यानी कि आपका जो अहमद साहब दाली वाला जो ग्रुप था दुरानी, यानी कि पश्तून के अंदर भी होता ना हमारे, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर भी सब कम्युनिटी होती है, तो ऐसे ही पश्तून के अंदर दुरानी कम्युनिटी, तो अहमद करजई को चुना गया। रब्बानी इनको क्या कर देते हैं, हाँ भाई हामिद करजई को स्वीकार करते हैं। तो ये आपका बोन कॉन्फ्रेंस के बाद ये हुआ था आपका। 2002 में अमेरिका यूएनएससी से एक एस्टेब्लिश करवाता है कि इसका आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स यानी कि ISAF ये एस्टेब्लिश करवाता है। अगस्त 2003 में नाटो को क्या ज्वाइन कर लेता है, आपको भी डेट याद नहीं करना, एक थोड़ा सा समझ लेना इस बात को। और ये दोस्तों जो आपका था जो ISAF का ऑपरेशन जो था ये 28 दिसंबर 2014 को क्या होता है खत्म हो जाता है, जब आपका मई 2011 में दोस्तों ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। ओसामा बिन लादेन को पता ही होगा हैदराबाद में जो पाकिस्तान की जगह है वहाँ से उसको ढूंढ कर वहाँ पर उसको मार दिया जाता है। और 2014 में इस ऑपरेशन को क्या ख़त्म कर देते हैं, ये ऑपरेशन क्या हुआ ऑफिशियली ख़त्म हो गया ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। लेकिन ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम ख़त्म होने के बाद भी अमेरिका वहाँ से निकलता नहीं है, और अमेरिका क्या करता है दूसरा ऑपरेशन वापस। और इधर क्या था दोस्तों, जब ये सब चल रहा था इसी बीच 2001 के बाद जो तालिबान इनएक्टिव हो गया था वो दोबारा से क्या होता है इंसर्जेंसी स्टार्ट कर देता है 2003 में। और 2003 में ये क्या करता है तालिबान एसिमिलेटिक वॉरफेयर स्टार्ट करता है, यानी कि आपका एक तरह से गुरिल्ला वॉर, छुपकर हमले करना। ये जो गांव के इलाके थे रूरल एरिया थे उनमें अपना नियंत्रण बनाता है। जो अमेरिका की जो आपकी क्या थी पूरी नाटो की जो सप्लाई लाइन थी पाकिस्तान से उस पर अटैक करता है, उस पर हमले करता है, तो गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देता है अमेरिका के अगेंस्ट। आगे देखें दोस्तों, अब यूएसए ऑपरेशन दोस्तों सेकंड फेज शुरू होता है। जो पहला फेज था जो आपका 2001 से शुरू हुआ था 2014 तक चला था, सेकंड फेज में क्या होता है आपका अमेरिका दूसरा ऑपरेशन शुरू करता है ऑपरेशन फ्रीडम सैनिटेल। सैनिटेल यानी कि पहरेदार, पहरेदार। ये ऑपरेशन दोस्तों कौन करता है, अमेरिका शुरू करता है कि पार्ट द ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट सपोर्ट, यानी कि हम क्या करेंगे अब आपकी रक्षा करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे और यहाँ पे सब चीज मेंटेन करेंगे। लेकिन कुल मिला के अमेरिका को शांति नहीं मिल पा रही थी, लगातार तालिबान हमले कर रहा था, सप्लाई लाइन पर हमले कर रहा था, बड़ा मुश्किल होता कंट्रोल करना। उधर लगातार रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था तालिबान को, तो ये पूरा स्थिति। तो यहाँ फिर आपका पीस डायलॉग शुरू होते हैं कि हम पीस डील करेंगे दोहा में। 29 फरवरी 2020 को शुरू हुआ, अप्रैल 2021 में खत्म हुआ। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ कि यूएस क्या करेगा, विथड्रॉल करेगा।